काम करना, फुक्कट में बैठती, चल निकल, कम कर। आ जाते साले कहां कहां से। अब तू क्या है, चल निकल रे। आ गया साला समाज सेवक। लैला, तू मेरी बात ध्यान से सुन। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए तू अपने ग्राहकों से कॉन्डम यानी निरोध का इस्तेमाल करवाया कर। ये तेरे और तेरे ग्राहकों की जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत लाभदायक है। अरे तेरी बातें क्या सुनना, 10 साल पहले तू भी तो यहाँ आता था जवानी का मजा लूटने। ओहो, माफ करना, अब तो तू समाज सेवक बन गया है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, ग्राहक साला बोलता है 100 के 200 ले ले, पर जब तक चमड़ी से चमड़ी नहीं मिलती मजा नहीं आता। साला कितनी भी उम्र हो जाए लेकिन बुड्ढे को भी जवान लौंडिया ही चाहिए। अरे तेरे को आवाज उठानी है तो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में आवाज उठाना हम रंडियों की आजादी के लिए। सड़क पानी बिजली पर तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, हम रंडियों पर भी थोड़ा सा खर्च करने को बोलना, पड़ा आया समझाने के लिए। बात में तो तेरी दम है, मैं तेरी आवाज यहाँ के खासदार और आमदार तक जरूर पहुँचा दूंगा, ठीक है? हमारी बात अगर तूने वहाँ तक पहुँचाई ना, तो एक बार फिर तेरे साथ बैठ जाऊंगी। चल हट, भाड़ खाऊ साला, 100 बार कहा है कुछ काम धंधा कर ले, लेकिन तुझे तो फुकट की खाने की आदत हो गई है। खुशबू, तेरी चाहत में दीवाना हो गया हूँ, ठोकर खाकर भी ना बेगाना हो गया हूँ। ले ले, ज्यादा बातें ना बना। अरे लाल, ये रुपए ले और रास्ता नाप। बड़ा आया, दीवाना हो गया हूँ। चल चलता बन। भड़वा साला। माँ, माँ मुझे भी सैनिक स्कूल में डाल दो। अरे बिटिया, तू क्या करेगी सैनिक स्कूल में जाकर? मैं भी देश की सेवा करूंगी, भारत माता की जय। अरे बिटिया, वो तो दिखाई देने वाले शत्रु है जिससे सैनिक लड़ तो सकता है, लेकिन गली मोहल्ले में शराब और शबाब के प्यारों से हमें ही लड़ना पड़ता है। जा माँ, तेरी बात तो मन ने समझ में ना आवे। अरे खुशबू, कम से कम बिटिया को तो धंधे पे मत बिठा, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो कमा तो सकेगी। अरे उसे कौन सी सरकारी नौकरी मिलने वाली है, और प्राइवेट में भी वेट नहीं चलता, यहाँ सब कुछ फटाफट होता है, फटाफट। अरे तेरी सारी खानदान कई वर्षों से इस धंधे में लगी है, कम से कम इसे तो आजाद कर। भड़वा साला, फुकट की कमाई खा खा के मस्ता गया है ना, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ छिना साली, और वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूँ। चल साली, ये जाती ऐसी है। आइए हुजूर, आइए, हमारी चौकट की खुशबू तुहार गुलाम है। जब चाहते हो खुशबू बिखेर देते हो, जब चाहते हो आंखों का काजल चुरा लेते हो। हाय मेरी जवानी की कसम, आज तो तुम बड़े गजब ढा रहे हो।
खुशबू, तू अपने आप को बुढ़िया मानने को तैयार नहीं। बाल काले करने से और चमक धमक से जवानी थोड़े ही वापस आ जाती है। तू भी तो अपने आप को बूढ़ा मानने को तैयार नहीं। साल में तो कम से कम 100 उतारता ही होगा। एक और। दांत काटती है, समझा नहीं क्या? अरे वो तो बच्ची है, नादान है। अरे नहीं समझोगी तुम्हारी बात। अरे थोड़ी देर के लिए खुशबू के आगोश में आ जाओ। महकी साली हरामजादी, 1,25,000 दरवाजे से लौट गए। अब हम क्या खाएंगे, मिट्टी? ये साली सरकार हम रंडियों के लिए बड़े बड़े वादे करती है लेकिन कुछ भी नहीं करती। कोई भी साला हमारे पेट की आग नहीं बुझाता। जिसे देखो वो यही कहता है, तू मेरी भूख मिटा, मैं तेरी भूख मिटाता हूँ। तो क्या बुरा है बेटी, हम अपना जिस्म बेचकर पेट पालते हैं। एक हम भी तो है जहाँ जात पात का कोई दायरा नहीं। एक हमारी चौकट है जो सभी के लिए खुली है। लेकिन क्या समाज का कोई भी दरवाजा हमारे लिए खुला है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम बदनाम हैं, हमारी इज्जत रोज नीलाम होती है। माँ तू नाराज ना हो, अगर तू चाहती है कि तेरी बेटी धंधा करे तो माँ मैं जरूर धंधा करूंगी। हाँ माँ। सेठ जी, मैंने महकी को तैयार कर लिया है, बस आप नथ उतारने के लिए आ जाइए। हुजूर, आपका नजराना तैयार है। Thank you.
बात कहूँ? कहो। हमारे और जमाने के रक्षाबंधन में जमीन आसमान का फर्क होता है। महकी, इन सब बातों को छोड़ दे, अब तुम्हारे भैया भाभी आ गए हैं। मैं जरा गांव जाके आती हूँ, और हाँ, जरा बहू की तरफ ध्यान देना। चलो माँ, मैं तुम्हें बस स्टैंड छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। सुनिए, जरा जल्दी आइएगा, हमें यहाँ बहुत डर लगता है। हाँ हाँ ठीक है, चलो माँ। सलाम भाई, सलाम भाई। चलो आज तुम्हें भी प्रेम रस वाला जूस पिलाती हूँ, एक ही घुट में मत वाली हो जाओगी। आओ सलीम साहब, आओ। आ जाने में बहुत देर कर दी। अरे साला, तुम्हारे यहाँ रोज बासी कड़ी पी पी के बोर हो चुका हूँ मैं। जाने मन, तुम तो जानती हो सलीम तड़का को रोज एक नई चीज चाहिए, और तुम्हारे यहाँ वही सब घिसे पीटे चेहरे इस बस्ती में मुझे नजर आते हैं। बदलता है तो सिर्फ घाघरा और चोली, साड़ी और लिपस्टिक, बस। लेकिन सलीम साहब, आज नई तरकारी में तड़का जो लगाना है। अरे भाभी। हाँ जीजी। जरा इधर तो आओ। सलीम साहब पूछ रहे हैं, कोई नई आई है क्या? आओ छमिया, प्रेम रस के मजे तो ले लो। देखिए, हम शादीशुदा हैं, हम धंधे वाली नहीं, हम अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द के साथ नहीं। अरे मेरी जान, हम भी तो मर्द है। प्रेम रस का मजा। सुस्त हो गई हो? यहाँ तो दिन भर में 10 से 20 ग्राहकों को निपटाना पड़ता है। नहीं डाली, नहीं डाली हमें घटिया और गंदी आदत, नहीं डाली। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग हंस क्यों रहे हो बीबी? क्या बात है? तुम्हारी बहन की वजह से आज मेरी इज्जत लुट गई। हरामजादी साली, मेरी जोरू से धंधा कराती है? तेरे पेट में दर्द हो रहा था क्या? 24 साले तूने मेरी बीबी के साथ? अबे चल हट, तेरी बीबी पे का ठप्पा लगा है। अबे इस कोठे पे जो भी आएगी वो सलीम के साथ तड़का जरूर लगाएगी, समझा? खुद के बीबी को दूसरे के साथ देखा तो पागलों जैसी हरकत करने लगा। तेरी बहन धंधा करना चाहती थी कि नहीं, ये कभी नहीं पूछा। अरे नीच, ये कैसा रक्षाबंधन है कि एक भाई बहन से धंधा करवा रहा है, वो भी रक्षाबंधन के पवित्र बंधन को बांधकर। मैं कहती हूं खत्म करो ये रीति रिवाज। अरे मेरी भी एक छोटी सी हसरत थी
लेकिन हसरत है तो क्या, मेरी छोटी सी हसरत सिर्फ हसरत ही रह गई। किसे दोष दो, ऊपर वाले को, तकदीर को, खानदानी पेशे को, या तुम जैसे समाज सेवकों को जिन्होंने कच्ची गली को खिलने से पहले ही मसल दिया। दिल की हसरत दिल में ही रह गई। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं आजाद होना चाहती हूँ, मैं आजाद होना चाहती हूँ। मुझे माफ करो बहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी, हमारे पुराने रीति रिवाजों को बदलने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही आशा रखती हूँ कि मुझे आजाद कराने में समाज कदम दर कदम मेरे साथ होगा।